हरियाणा की हिसार सीट पर 24 साल बाद राजनीति ने ऐसी करवट ली कि पोते को उसी नेता के लिए वोट मांगनी पड़ गई जिन्होंने उनके दादा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ये सियासी उलटफेर बीजेपी के कैंडिडेट रणजीत सिंह चौटाला और आदमपुर सीट से भाजपा एमएलए भव्य बिश्नोई के बीच हुआ है। भव्य बिश्नोई ने रणजीत सिंह चौटाला को वोट दिलाने के लिए आदमपुर विधानसभा सीट पर प्रचार शुरू कर दिया है जिसके लिए बकायदा पूरा रूट प्लान भी तैयार किया गया है। हालांकि भव्य बिश्नोई के पूर्व सांसद पिता कुलदीप बिश्नोई ने प्रचार से दूरी बना रखी है। वो खुद भी हिसार सीट से लोकसभा टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे लेकिन भाजपा ने इसे ठुकरा दिया। भाजपा ने आनंद फानंद में सिरसा की रानिया सीट से निर्दलीय एमएलए रणजीत सिंह चौटाला को पार्टी में शामिल कर हिसार से उम्मीदवार बना दिया। पूर्व सीएम भजन लाल ने 2008 में आदमपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा था। भजन लाल उस वक्त हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी कि हजका के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। तब रणजीत सिंह चौटाला ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। हालांकि भजन लाल ने रणजीत चौटाला को 20,249 वोटों से हरा दिया था। रणजीत चौटाला से पहले उनके पिता पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने भी 1972 में आदमपुर से चुनाव लड़ा था लेकिन देवीलाल भी 10,961 वोटों से हार गए थे। बात अगर हिसार सीट की करें तो हिसार सीट से पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई 2011 में उपचुनाव में सांसद चुने गए थे। उन्होंने डॉक्टर अजय चौटाला को हराया था। हालांकि 2014 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो इनेलो से चुनाव लड़ रहे दुष्यंत चौटाला ने उन्हें हरा दिया था। इसके बाद 2019 में भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन भाजपा के उम्मीदवार ब्रिजेंद्र सिंह से हार गए। इस चुनाव में भव्य बिश्नोई तीसरे नंबर पर रहे थे। ब्रिजेंद्र के बाद दुष्यंत चौटाला को दूसरे नंबर पर वोट मिले थे। आदमपुर विधानसभा की बात करते हैं तो आदमपुर विधानसभा को भजन लाल परिवार का दुर्ग कहा जाता है। 1967 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव आदमपुर में हुए भजन लाल परिवार कभी नहीं हारा। हरियाणा की विधानसभा सीट भजन लाल परिवार का गढ़ है। भजन लाल इसी सीट से कुल 9 चुनाव जीते। कुलदीप बिश्नोई सीट से 4 बार, उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई और माता जसमा देवी एक एक बार विधायक बन जीत चुकी हैं। कुलदीप के पुत्र भव्य की जीत से इस सीट पर भजन लाल परिवार को 16वीं जीत हुई थी। बात अगर परिवार की करें तो भजन लाल परिवार को भाजपा के सहारे की जरूरत तब महसूस हुई जब 2019 के लोकसभा चुनाव में भव्य बिश्नोई आदमपुर हलके से पिछड़ गए। हिसार लोकसभा में हिसार, हांसी, उकलाना, बरवाला, नारनूंद, आदमपुर उचाना और भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र आते हैं। भव्य बिश्नोई हर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी से पिछड़ गए थे। यहां तक कि उनको आदमपुर से भी निराशा हाथ लगी थी। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।